जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में श्री कृष्ण के दिल जो कि अभी भी पुरी में स्थित है, इसकी कथा के बारे में जानने वाले हैं। ओडिशा में पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय बातें प्रचलित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी मूर्ति है। हालांकि क्या आपको मालूम है कि इस मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का दिल उसी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है, जिसे हर 12 साल में बदला जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण मानव रूप में द्वापर युग में इस धरती पर पैदा हुए थे। इसी युग में महाभारत और कौरव पांडवों का जिक्र आता है। चूंकि श्री कृष्ण मानव रूप में थे, इसलिए उन्हें पृथ्वी से भी विदा होना था, क्योंकि यहां आने वाला हर शख्स निश्वर होता है। ऐसे में महाभारत के युद्ध के करीब 36 साल बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो मानव शरीर तो अग्नि देव को समर्पित हो गया था, लेकिन उनका दिल जलता रहा। उसमें से लगातार ज्योति निकल रही थी। यह देख पांडवों ने उनके दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि जल में प्रवाहित होते ही उस दिल ने एक लटका रूप ले लिया और बहता हुआ राजा इंद्रदुम्न के पास पहुँच गया। भगवान के परम भक्त इंद्रदुम्न को जब उस लटकी सच्चाई के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने उसे जगन्नाथ की मूर्ति में रखवा दिया। मान्यता है कि उस दिन के बाद से श्री कृष्ण का दिल जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर ही है। आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति से दिल के धड़कने की आवाज आती है। प्रथा के अनुसार हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन उस दिल को कोई नहीं देख पाता। दरअसल मूर्ति बनाने वाले जब उस लट को नई मूर्ति में रखते हैं तो उनके आंखों में पट्टी बांधी जाती है, साथ ही हाथों पर कपड़े बांधे जाते हैं। इस क्रिया के दौरान बिजली भी काट दी जाती है ताकि अंधेरा में कोई भी उसे ना देखे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिल को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको पुरी जगन्नाथ जी के बारे में और रहस्यमय बातें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।